जो औरत भर नहीं सकती पैसे, उसको डबल डबल चार पांच संगा देने की क्या जरूरत रहती। एक गरीब औरत घर का काम करती मालूम है, और वो लोग पैसे नहीं भर सकते ये भी मालूम है, फिर उनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर पांच पांच संग देने की जरूरत क्या है, इसका मकसद क्या है। जब आदमियां जब कमाने जाते तो उनका नहीं चलता, संग में सिर्फ औरतों का चलता बोल के बोल रहे, तो इसका मकसद क्या है, आप लोग सीधा सीधा समझ जाना चाहिए। मेरा नाम नुसरत है, सोशल वर्कर। यहाँ पर आज संघ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जा रहा था। एक लेडीज को 50-60 हज़ार रुपये फर्स्ट संग दिया जाता है, फिर वो एक 6 महीने 7 महीने नहीं होता, फिर से वो सरा आके फिर क्या बोलते, फिर छोटा लोन आ रहा है क्या, आपको होना क्या पूछते रहते। जब सामने से पैसा आ रहा है तो कोई लेना क्यों नहीं चाहता, लोग तो लेंगे पैसे। एक 3-4 महीने नहीं होता फिर एक संग देते, 3-4 महीने नहीं होता फिर एक संग होता, बार बार कंटिन्यू पैसे दे दे के औरतों को, है ना। जो औरत भर नहीं सकती पैसे, उसको डबल डबल चार पांच संगा देने की क्या जरूरत रहती। अगर लोगों को इतनी हमदर्दी है कि वो लोगों को उनको पैसे दे के हमदर्दी जताना चाह रहे, जब वो पैसे भरने की जब बारी आती तो जब भी वक्त दे देना, जब उनके घर में मैयत हो या फंक्शन हो कुछ भी रहो, पहले ही उनको पूरी कंडीशन बता देते हैं कि 2-3 दिन पहले पैसे अरेंज करके दे देना बोलकर। सुबह 10 बजे से शाम 10 बजे तक बैठते अगर किसी के पास पैसे अरेंज नहीं हो रहे तो। एक गरीब औरत घर का काम करती मालूम है, और वो लोग पैसे नहीं भर सकते ये भी मालूम है, फिर उनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर 5% देने की ज़रूरत क्या है, इसका मकसद क्या है। जब आदमियां जब कमाने जाते तो उनका नहीं चलता, संग में सिर्फ औरतों का चलता बोल के बोल रहे, तो इसका मकसद क्या है, आप लोग सीधा सीधा समझ जाना चाहिए। आज से हम ये कंडम करते हैं कि जो संग लिए हैं वो पूरा पैसा माफ़ होना, नेक्स्ट कार्रवाई संग की सर्विस ही नहीं होना।